स्टीयरिंग रिस्पांस काफी सही लग रहा है, ब्रेकिंग भी कार की सही है यार। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है गियर शिफ्ट होते समय, पता चल रहा है आपको, बट हाँ आपको हाई स्पीड में थोड़ा रोड नॉइस आपको फील जरूर होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज आप लोगों के डिमांड में हम कर रहे हैं हुंडई एक्स्ट्रा का ड्राइव रिव्यू, एंड आज हम हैं इसके टॉप मॉडल में यानी कि हुंडई एक्स्ट्रा एक्जेट कनेक्ट ऑप्शन। एंड आज इसका ड्राइव करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस कार में ऐसा जो आपको टाटा पंच में नहीं मिलेगा। सबसे बात करते हैं पहले यार इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यार ये कार आपको फोर सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, 1.2 लीटर कापा जो इस सीरीज का जो इनका इंजन आप देखते हो i10 में आता है, i20 में आता है, वही सेम इंजन इस कार में दिया गया है। एंड बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो ये कार आपको देती है 81 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क। तो पहला इंप्रेशन जो कार का मुझे लग रहा है चला के, ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो अगर मैं बात करूं हैंडलिंग की तो हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है। इनिशियल जो रिस्पांस मिल रहा है जब आप कार को चला रहे हो भगा रहे हो तो गाड़ी भाग रही है, आपको वो पिकअप आपको इसमें वो देखने को मिलेगा। अगर कंपेयर करें इसके कंपटीशन कार से तो कव वेट थोड़ा कम है, इसलिए जो लैग और जो आपको पिकअप वहाँ नहीं मिल रहा वो इस कार में आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल काफ़ी अच्छा पिकअप है कार का, एंड आपको एक्सलेट करते हैं कार रिस्पॉन्स कर रही है, ब्रेकिंग भी कार की सही है। कंपेयर करूं मैं इसको अपने पंच के साथ तो ब्रेकिंग मुझे इसकी ज़्यादा बेटर लग रही है। इसके अलावा बात करूं ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है गियर शिफ्ट होते समय, पता चल रहा है आपको, तो वो लैग आपको थोड़ा सा आपको इस कार में देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक वेरियंट में। अगर बात करूँ मैनुअल की तो शायद मैनुअल में आपको वो लैग फील नहीं होगा, बट हाँ ऑटोमेटिक में आपको वो लैग देखने को मिलेगा। मिड साइज SUV सेगमेंट की ये कार है, एंड जैसा कि देखा गया है नॉर्मली SUV सेगमेंट्स में आपको बॉडी रोल देखने को मिलता है, वो बॉडी रोल इसमें फील नहीं हो रहा है या ना के बराबर ही है, बिल्कुल ऐसा कोई सच बॉडी रोल आपको इस कार में फील नहीं होगा। और स्टेबल होके चल रही है कार, ऐसा कुछ स्टेबिलिटी में भी इशू नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इस कार में जो आपको फील होगा वो है इसके इंजन ऑप्शन की वजह से जो NVS लेवल है कार का वो भी बहुत कम है, बिल्कुल नॉइज और वाइब्रेशन आपको कैबिन में फील नहीं होगी। अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका ऑफ है, म्यूजिक नहीं चल रहा, थोड़ा सा AC ब्लोअर में कम करके दिखाता हूँ आपको। कैबिन नॉइज कार में कम है, बट हाँ आपको हाई स्पीड में थोड़ा रोड नॉइस आपको फील जरूर होगा, थोड़ा रोड नॉइस फील होगा बट कैबिन नॉइज नहीं है कार में। काफी साइलेंट इंजन है और ये एक प्लस पॉइंट रहता है यार फोर सिलेंडर इंजन का कि आपको NVS लेवल लो मिलता है, आपको वाइब्रेशन और नॉइस कार में लो मिलता है, तो ये प्लस पॉइंट तो हमेशा फोर सिलेंडर के साथ रहेगा और ये इस कार में भी है। तो उस मुकाबले देखा जाए तो कार काफी ज्यादा रिफाइनमेंट है इसके इंजन में, और वो रही है वो हुंडई के, आप किसी भी इंजन की बात करोगे हुंडई में आपको वो रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी। बात की जाए कंफर्ट की, जैसे ये इसका टॉप वेरिएंट है, हाइट एडजस्टमेंट का फीचर इसमें आ जाता है, तो इस कार में आपको विजिबिलिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, पूरा बोनट आपको दिखाई दे रहा है, तो विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल रही है इस कार में आपको। एंड इस सेगमेंट में ऐसे आप किसी भी कार में जाओगे मिड साइज सेगमेंट में तो आपको हर कार में विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, बिकॉज SUV का एक फीचर रहता है कि आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखती है, आपको बोनट साफ दिखता है, और वो चीज आपको इस कार में भी देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग रिस्पांस काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे कार का, स्टीयरिंग रिस्पांस में कोई इशू नहीं है, बट शायद थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट फिर भी मेरे को लग नहीं रहा है स्टीयरिंग में कोई इशू है, स्टीयरिंग रिस्पांस काफी सही लग रहा है, ब्रेकिंग भी कार की सही है यार, ब्रेकिंग भी कार की सही है, बट हाँ ये ऑटोमेटिक वेरिएंट जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा लैग फील हो रहा है, बट इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई इशू इस कार में अभी। तो यार मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको पंच के साथ तो परफॉर्मेंस के मामले में ये कार पंच से बेटर ही है, बिकॉज अगर आप देखो फोर सिलेंडर इंजन की वजह से भी ये बात मैं बोल सकता हूँ,
बिकॉज फोर सिलेंडर और थ्री सिलेंडर में एक मेजर फर्क किया जाता है यार, कि थ्री सिलेंडर में जो आपको लो एंड टॉर्क होता है ना वो उतना नहीं मिल पाता जितना आपको एक फोर सिलेंडर कार में मिलता है। तो इस कार का लो एंड टॉर्क भी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये कार परफॉर्मेंस के मामले में पंच से काफी बेटर है यार। बात की जाए कार के इंटीरियर की, तो हाँ यहाँ थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, बिकॉज वो आइटन नियोस वाला मिल रहा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये शायद कंपनी इसमें थोड़ा और कर सकती थी, एक अच्छा रिफ्रेशिंग न्यू इंटीरियर इसमें दे सकती थी तो और मजा आ जाता कार में। अदरवाइज ड्राइव रिव्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यार ड्राइव रिव्यू में कोई इशू नहीं है कार में। मुझे पर्सनली कार का ड्राइव रिव्यू बहुत अच्छा लगा, कार चला के बहुत मजा आया। एंड आई होप आप लोग भी जब इसकी टेस्ट ड्राइव करो तो आप लोगों को भी यही एक्सपीरियंस मिले। अगर आप लोग दिल्ली से हो और इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो मैं शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस कार के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं सारी कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनसे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।